भोगना ही पड़ता है, तो इससे कैसे बचा जाए? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और हमने गीता में भी पढ़ा, वेदों में भी पढ़ा है कि कर्म फल से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। प्रश्न इतना अच्छा है और डिफिकल्ट भी है, इस उत्तर को ढूंढते ढूंढते लोग थक चुके हैं और आज तक कोई इस उत्तर इसका दे नहीं पाया कि अगर कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है, जब भोगना ही है तो फिर उसके पास में दूसरा इलाज नहीं है, भोगना है तो फिर वो गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, जो जिसको हो रहा है क्योंकि भोगना है, क्योंकि जो भी गरीबी में जी रहा है वो बोलता हमारे कर्म का फल है। अगर कोई बीमार है तो बोलता हमारे कर्म का फल है, अगर कोई दुखी है तो कर्म का फल है। ऐसे व्यक्ति निठल्ला और निकम्मा बन चुका है। लेकिन ये बात निस्संदेह सत्य है कि कर्म फल से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। लेकिन सवाल पैदा हो, बच नहीं सकता तो फिर जिए कैसे? और जब जीना के लिए सवाल सामने होता है, हम देखते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्य वाधका मा रस्ते मा फलेषु कदाचना, कि फल की इच्छा नहीं करो, कर्म करते रहो। भाई कैसे करते रहो? कर्म करते रहो, फल की इच्छा तो फल के कर्म करोगे, मा फलेषु कदाचना, फल की इच्छा नहीं करो। क्यों नहीं करें भाई? कर्म हमने किया है तो फल की इच्छा करेंगे, क्योंकि कर्म का फल तो मुझे भोगना ही है जब फल की इच्छा कर रहा हूँ। और जब कर्म फल मुझे भोगना है तो फिर व्यक्ति परेशान हो जाता कि भैया हमने तो जो जो कर्म करना फल भोगना है, जो हमने पहले किए थे आज भोग रहे, आज करेंगे कल भोगेंगे, और चल रहा है। और ये सत्य है कि कर्म के फल से ना कोई व्यक्ति बचा है ना बचेगा। कारण, उदाहरण, भगवान राम के पिता दशरथ जी श्रवण कुमार को धोखे से वाण मारा, जानबूझ के नहीं मारा। वो पिताजी माता पिता को तीर्थ यात्रा की नहीं निकले, उनको प्यास लगती है, नदी किनारे जाते हैं, उनके पास छोटा सा एक बर्तन था तुम्बी, उसको लेके भरते, उसमें एक गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी। उस आवाज़ को सुनकर महाराजा दशरथ शब्द वेदी बाण मारते थे, शब्द को सुन के तीर चलाते थे। उनने सोचा कोई शायद हिरण पानी पी रहा है और उनने तीर चलाया, श्रवण कुमार वहाँ पर घायल हो जाता है। वो पहुँचते देखते, अरे ये तो हिरण की जगह, ये तो श्रवण कुमार है। उनने बोला मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं समझा कोई हिरण पानी पी रहा है। तो उन्हें बोला ये तो अभी हमारा जो बाण लग चुका है इससे बचोगे नहीं। उन्हें बोला एक ही मेरी इच्छा है, ये पानी ले जाइए, माता पिता को पिलाइए। माता पिता को पानी वो दशरथ जी लेके जाते हैं और जब बोलते श्रवण के लिए, नहीं मैं राजा दशरथ हूँ, श्रवण मेरे बाणों से मर चुका है और ये पानी आपके लिए लाया हूँ। दोनों माता पिता ने एक ही बात कही कि ले हमने जानबूझ के नहीं मारा, धोखे से मारा है, कि ले नहीं मेरा पुत्र मर चुका है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में हम लोग प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे आप भी प्राण छोड़ोगे। और एक घटना को अगर याद करते हैं तो जब भगवान राम का वनवास हुआ, वो भी अपने पितर के वियोग में शरीर को छोड़ना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भगवान राम के पिता दशरथ जी अगर कर्म फल से नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकते हैं? सेकंड एग्जाम्पल, हमने महाभारत में देखा भीष्म पितामह मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं, पूरे शरीर में बाण चुभे हुए हैं। भगवान कृष्ण पूछते हैं कि भगवान ये बताइए, हमें 100 जन्मों की याद है, ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे भोगना पड़े, और आज मैं देख रहा हूं मेरे पूरे शरीर में बाण चुभे हुए, कौन से कर्म का फल है? 100 जन्मों तक मुझे याद है, कोई कर्म ऐसा नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि 100 जन्म के पहले भी एक जन्म था जहां आपने घोड़े पर जा रहे थे,
राजा थे, हाथ में चाबुक का अपने एक सर्प को बनाया और घोड़े को हांक रहे थे। जब सर्प अधमरा हो गया, उसको फेंक दिया कटेली झाड़ियों में और उसके शरीर में पूरे पूरे कांटे चुभ गए। वो सजा तुमको इतने जन्मों से मिल नहीं सकी तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण, लेकिन आज वो मौका आया कि वो सजा मिलनी थी, वो सजा आज मिल रही है। कहने का तात्पर, भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जो 175 साल की आयु में युद्ध लड़ रहा था, वो कर्म फल से नहीं बचा। भगवान राम के पिता नहीं बचे तो हम कैसे बच सकते हैं? लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा, जो हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, तो यही बात कह के फिर मैं वक्ता को विराम दूंगा कि कैसे हम कर्म फल से बच सकते हैं, क्या उपाय है, साइंटिफिक और वैज्ञानिक उपाय क्या है, तो वही उदाहरण दे के मैं वक्ता को विराम दूंगा। आपने कभी देखा हो जिस समय मिलिट्री के अंदर जब कर्नल या जनरल कमांडर जब ऑर्डर देता है सेना को और बोलता फायर हो, फायरिंग जब करते हैं तो हजारों लाखों सैनिक मार डालते हैं, मर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सैनिक को मृत्यु दंड नहीं मिला, क्योंकि वो कमांडर के ऑर्डर से हुआ था, वो स्वयं करता नहीं था। ठीक इसी ढंग से जब हम किसी व्यक्ति को चाकू मारते, तलवार मारते, मरता तो 12 साल की सजा है, आजीवन कारावास है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से हत्या की। लेकिन जिस समय वो अगर ईश्वर प्रणिधान, योग दर्शन में सूत्र है, परमात्मा को जो व्यक्ति समर्पित करके जीने लगता है, पूरा सरेंडर हो जाता है कि अब इसके भरोसे उसने सौंप दिया, और जब सौंप दिया तो फिर हम देखते हैं कि उसकी बात को समझ में आ जाता है कि अब कर्ता नहीं रहा, परमात्मा को कर्ता अगर मान लिया जाए कि करने कराने वाला ईश्वर है और उसके ऊपर अगर डिपेंड हो जाता है, कैसे, जैसे एक पत्ता हवा में अपने आप को छोड़ देता है, उसकी मर्जी नहीं है, हवा की मर्जी, जहां वो ले जाए जाने को तैयार है, अपनी मर्जी नहीं। ऐसी पानी में अगर पत्ता बह रहा है, अपनी मर्जी नहीं है, बहता चला जा रहा है, पानी की मर्जी, ऐसे जब परमात्मा की मर्जी में अपने आप को जो समर्पित कर देता है तो जो जो वो कर्म करता है वो फल से बच जाता है, क्योंकि उसने समर्पित कर दिया, और समर्पित करने वाले को फिर कर्म फल में बंधन में नहीं बनता। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति कर्म फिलॉसफी यही है, जब जब मैं कर्ता बनूंगा तो भोगता भी बनना पड़ेगा, कर्म फल उसी को भोगना पड़ता है जब बोलता मैंने किया, मेरा ईगो आता, मैं आता, मैंने किया तो मुझे भोगना पड़ेगा, और जब सौंप दिया, इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, जब व्यक्ति अपने आप को सौंप देता है ईश्वर के भरोसे, तो कर्म फल से वो व्यक्ति बच जाया करता। जहां से हमने चर्चा शुरू की कि कर्म फल से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता, जब जब कर्ता बनेगा तो भोग नहीं भोगना जरूरी है, निश्चित है। इसलिए भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ा कि कर्म फल तो है, भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर समर्पित कर देता है वो। फिर भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में तू आ जाता है तो फिर कर्म फल से बच जाता, क्योंकि तू फिर करता नहीं रह गया, सब कुछ छोड़ दिया, अब समर्पित हो गया, अब मैं नहीं बचा, तो जब मैं था तो हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं, तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तवा चाहे दाना मिलकर खाक में और गुले गुलजार होता है, मिटाना तो पड़ेगा, और जब मिटते हो ज्यों ज्यों त्यों त्यों वो कीचड़ में भर जाकर मिट के वही गुलाब का फूल भी बनता है और वही फल बनता, वही खुशबू देता, लेकिन मिटना पड़ता है, और वो ईगो जब तक नहीं मरता तब तक हो नहीं सकता, और उसके लिए ही समर्पण जरूरी है। और जब परमात्मा को व्यक्ति समर्पित कर देता है कि भाई मैंने एक बार सौंप दिया, तो ही कर्म फल से बच सकता है, और नान्य पंथा विद्यते अनाया, और कोई रास्ता नहीं है कर्म से, जितना पूजा पाठ करो, पुण्य करो, दान करो, ये सब अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी और बुरे कर्म लोहे की जीवनी।
बेड़ी तो बेड़ी है, बच नहीं सकते, बचोगे नहीं। बच जब ही सकते हो जब अपने आप को समर्पित कर देते हो परमात्मा के हाथ को, अपने आप को सौंप देते हो कि अब तेरी मर्जी जहाँ तू ले जाए। इसको बोलते ईश्वर प्रणिधान, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना। यही योग दर्शन का सूत्र है, यही शास्त्रों का निचोड़ है कि अपने आप को सौंप दो, ईश्वर के हवाले कर दो कि मैं ना बचे। अब कर्ता जब तक रहूँगा तो भोक्ता भी रहूँगा, और कर्तापन मिटा तो भोक्तापन मिटा, और वो व्यक्ति कर्मफल से बच जाता है।